के अमेठी में कुम्हारी कला से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर है। जिला ग्रामोद्योग विभाग उनके लिए एक रोजगार का अवसर दे रहा है। ग्रामोद्योग विभाग ऐसे लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देने के साथ साथ उनको कुम्हारी कला से जुड़ा टूल किट भी देगा। इसके लिए आगामी 3 मार्च को एक बृहद जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजन किया गया है। वहां पर विभाग की तरफ से जो भी लाभकारी योजनाएं कुम्हारी कला से जुड़े लोगों के लिए होंगी वह उन्हें बताई और समझाई जाएंगी। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है और अंतिम आवेदन की तिथि 3 मार्च तक रखी गई है। आवेदन करने वालों के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और शैक्षिक प्रमाण पत्र होने आवश्यक हैं। इसके साथ ही कुम्हारी कला से जुड़े लोगों को विभाग की तरफ से आवश्यक योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि यह बहुत ही अच्छी योजना है और इससे कई लाभार्थी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और आगे बढ़कर उन्होंने अपना खुद का रोजगार शुरू किया है। कुम्हारी कला से जुड़े लोगों की क्या स्थिति है, आइए जानते हैं विभागीय अधिकारी से ही। लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है। अभी तक हमारे यहाँ माटी कला टूल किट में वित्तीय वर्ष 21-22 और वित्तीय वर्ष 22-23 को मिलाकर के 75 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें 21-22 में 45 का लक्ष्य और 22-23 में 30 का लक्ष्य। दोनों लक्ष्य के सापेक्ष हमने 50 का चयन कर लिया है और 50 के चयन के सापेक्ष हमारे पास 36 लोगों को टूल किट का वितरण कर दिया गया है। शेष 14 लोगों को भी वितरण हमारी प्रदर्शनी के दौरान किया जाएगा। 25 लाभार्थियों के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 3 तारीख है। इसमें जो भी हमारे पास पात्र लाभार्थी आएंगे उनको इंटरव्यू में लेकर के उनका चयन किया जाएगा और इसके बाद जैसे ही टूल किट प्राप्त होता है उनको वितरण की कार्रवाई की जाएगी। हमने एक प्रेस विज्ञप्ति दिया है जिसके माध्यम से 3 तारीख को RCT विकास भवन के बगल में जो संस्थान है वहाँ पर हमने जागरूकता कार्यक्रम की व्यवस्था रखी है। उस जागरूकता कार्यक्रम में हम लोगों को विभागीय योजनाओं, चाहे वो PMEGP योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हो जिसके अंतर्गत बैंकों से ऋण प्राप्त होता है और वो अपना रोजगार स्थापित करते हैं, तथा विभाग की माटी कला टूल किट योजना, दोना पत्तल योजना और पॉपकॉर्न टूल किट योजना, इन सब के बारे में भी उनको अवगत कराया जाएगा ताकि अगले वित्तीय वर्ष में लोग अधिक से अधिक प्रतिभाग कर सकें और अधिक से अधिक संख्या में लोग लाभ ले सकें। लाने होते हैं आवेदन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजना जो चल रही है जिसमें कि ऋण के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार दिया जाता है, उसमें ऑनलाइन आवेदन होते हैं और हमारे यहाँ माटी कला टूल किट के लिए, पॉपकॉर्न के लिए इसमें ऑफलाइन आवेदन होता है। यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ग्रामोद्योग से हैं तो हमारे पास ग्राम पंचायत द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है, वो भी अपलोड होता है और हम किसी भी लाभ, ये आवश्यक होता है कि हम प्रधान से इस बात का प्रमाण पत्र ले लें कि वो इसी गांव का निवासी है और यहाँ पर ही रहता है और इसके द्वारा उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब के माध्यम से आवेदन हो जाता है और चयन प्रक्रिया के बाद चयन होने के उपरांत उसको टूल किट का वितरण किया जाता है। टूल किट वितरण के पहले ही हम उसको 3 दिवसीय की प्रशिक्षण जो लखनऊ में होता है वो प्रदान कराया जाता है, प्रदान कराने के उपरांत ही उनको टूल किट का वितरण कराया जाता है। ठीक है।